नमस्कार, स्वागत है आपका ओनली न्यूज़ नेशन में। किसानों ने दिल्ली पर बोल दिया हमला। पूरे एक्सक्लूसिव वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूं किस तरह से राकेश टिकैत ने 4 लाख ट्रैक्टर और 25 लाख लोगों के साथ वहां दिल्ली पहुंचे। पूरे एक्सक्लूसिव वीडियो देख के शायद आप हैरान हो जाएंगे। और उन्होंने नरेंद्र मोदी को धमकी दी है, संसद पर हमला बोलने की कोशिश की है, और वहीं पर दिल्ली पुलिस एक्शन में भी आई है और ठुकाई शुरू हो चुकी है। पूरे एक्सक्लूसिव वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूं। बस आपसे अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर दीजिएगा और वीडियो को ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। बता दूं आपको, राकेश टिकैत ने सरकार को दी धमकी। कहा 4 लाख ट्रैक्टर और 25 लाख लोग दिल्ली आने को तैयार हैं और जल्द ही हम दिल्ली भी पहुंच रहे हैं। बता दूं आपको, दिल्ली बॉर्डर पर एक बार फिर ट्रैक्टर टेरर दिख सकता है। पश्चिमी यूपी से गाजीपुर बॉर्डर पहुंचने लगे। टिकैत बोले, बिना बताए जाएंगे दिल्ली। सोचिए किस तरह से टिकैत का ट्रैक्टर टेरर सामने आ चुका है और ट्रैक्टर पर किस तरह से 25 लाख लोग कम नहीं होते साहब, 25 लाख लोग कम नहीं होते और 4 लाख ट्रैक्टर भी कम नहीं होते, उन्हीं से ये दिल्ली पहुंचेंगे। बता दूं आपको, देश की राजधानी दिल्ली के बॉर्डर पर एक बार फिर किसान आंदोलन की आड़ में ट्रैक्टर टेरर दिख सकता है। दरअसल पश्चिम यूपी से किसान गाजीपुर बॉर्डर पहुंचने लगे हैं। टिकैत ने फिर दे डाली धमकी। बता दूं, जी हिंदुस्तान से खास बातचीत करते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि बिना बताए और हर छुट्टी के दिन दिल्ली जाएंगे, दिल्ली वालों के लिए फल सब्जी भी लाएंगे। यानी कि दिल्ली वालों के लिए फल सब्जी भी लेकर जाएंगे और 4 लाख ट्रैक्टर और 25 लाख लोग दिल्ली में जब घुसेंगे तो सोचिए कि दिल्ली का हाल क्या होगा, क्योंकि वैसे भी कभी दिल्ली की रोड सुनसान नहीं होती, इतना वहाँ पर आवागमन है, इतनी वहाँ पर आबादी है। लेकिन राकेश टिकैत 25 लाख लोग और 4 लाख ट्रैक्टर लेकर जब पहुँचेंगे तो सोचिए दिल्ली में कितनी हिंसा हो सकती है और दिल्ली के लोग कितना प्रताड़ित हो सकते हैं। बता दूं आपको, केंद्र सरकार को धमकी देते हुए राकेश टिकैत ने कहा 4 लाख ट्रैक्टर और 25 लाख लोग दिल्ली आने को तैयार हैं, इस बार ट्रैक्टर बिना बताए दिल्ली जाएंगे। राकेश टिकैत ने बीजेपी पर किसान आंदोलन को नुकसान पहुंचाने का भी आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार से कृषि कानून वापस लेने की मांग की है। यानी कि लगातार किसान आंदोलन की जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं रौद्र रूप लेता जा रहा है। गाजीपुर बॉर्डर पर रिहर्सल की तैयारियाँ भी होनी शुरू हो चुकी हैं। दिल्ली बॉर्डर पर किसान आंदोलन को तेज़ करने की कवायद शुरू हो चुकी है। मेरठ से लेकर ट्रैक्टर गाजीपुर बॉर्डर के लिए हजारों किसान रवाना हो चुके हैं। मतलब साफ है कि गाजीपुर बॉर्डर पर एक बार फिर किसानों की हलचल बढ़ गई है। आज रात गाजीपुर बॉर्डर पर रिहर्सल की तैयारियां भी होंगी। सोचिए किस तरह से देश में एक कोरोना वायरस ने कहर बरपा रहा है तो दूसरी तरफ किसान आंदोलन। यानी कि लोग ऐसे हैं कि बिना जब तक इनको वैक्सीन सही से नहीं लगाई दी जाएगी तब तक ये लोग बॉर्डर छोड़ने वाले नहीं हैं। बता दूँ आपको, भकियों की किसान ट्रैक्टर यात्रा मुजफ्फरनगर पहुँची है। तीनों कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का प्रदर्शन हो रहा है। यात्रा का शुभारंभ भकियू प्रदेश उपाध्यक्ष विनय कुमार ने किया। सहारनपुर से शुरू होकर गाजीपुर बॉर्डर पर यात्रा कल खत्म होगी। पश्चिमी यूपी के 4 जनपदों सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद से किसान ट्रैक्टर यात्रा गुजरेगी। मुजफ्फरनगर के रोहाना टोल पर किसानों की भीड़ मौजूद है। सोचिए किस तरह से इन्होंने टोल प्लाजा को भी हाईजैक कर लिया है और वहाँ पर आवागमन भी कहीं ना कहीं ठप होता दिखा है। वहीं सहारनपुर से हजारों किसान गाजीपुर बॉर्डर के लिए रवाना हो गए। किसानों का कहना है कि एक बार फिर किसान सरकार को अपना दम दिखाने के लिए तैयार हो चुका है और इसी को लेकर दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर 26 जून को लाखों की तादाद में किसान महापंचायत करने जा रहे हैं। सोचिए 26 जून को जिस तरह से ये लोग महापंचायत करने जा रहे हैं, जिससे कि स्थिति स्पष्ट है कि किसान आंदोलन अब उग्र हो चुका है। अब सरकार को किसान आंदोलन रोकना चाहिए। बता दूं आपको, करीब 50 ट्रैक्टर सवार हजारों की तादाद में किसान गाजीपुर बॉर्डर धरना स्थल के लिए रवाना हो चुके हैं। 26 जून को बड़ी महापंचायत होगी, जिसके बाद भारतीय किसान यूनियन के साथ ही संयुक्त किसान संगठन बड़ी रैली निकाल सकते हैं। आप सोचिए किस तरह से राकेश टिकैत उग्र होते चले जा रहे हैं। राकेश टिकैत किस तरह से किसानों के नाम का यहाँ पर इंसल्ट करा रहे हैं और वहीं पर लगातार सरकार पर हमला भी बोल रहे हैं।
तो आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिए। वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि जब भी आप वीडियो को शेयर करते हैं तो सच्चाई जनता के सामने पहुंचती है। और आपको ये आंदोलन कैसा लगा वो भी आप ज़रूर बताइए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अच्छा लग रहा है तो बहुत सारे लोगों को बुरा भी लग रहा है। और यहाँ पर लोगों की अभिव्यक्ति की आज़ादी इस आंदोलन ने छीनना शुरू कर दिया। तो सरकार को सबसे पहले एक्शन लेना चाहिए इन आंदोलन जीवियों पर, और सरकार को कहीं ना कहीं ये बात प्रमाणित कर देनी चाहिए कि जिस तरह से उन्होंने देश को जलाने दहलाने की कोशिश की है, वो कहीं ना कहीं ये घटनाएँ जो हैं वो कतई बर्दाश्त नहीं की जा सकती हैं। 4 लाख ट्रैक्टर, 25 लाख लोग जब दिल्ली में एंट्री करेंगे तो सोचिए कितनी बड़ी तबाही दिल्ली में आने वाली है। लेकिन इनका क्या, इनका तो यही एजेंडा है, इनकी तो यही कोशिश है। तो स्पष्ट है कि जिस तरह से किसान आंदोलन आज उग्र हुआ, राकेश टिकैत ने कोरोना की सभी गाइडलाइन को तोड़ा, और जिस तरह से इन्होंने पहले कहा था कि हम संसद पर हमला करेंगे, संसद में जाकर ट्रैक्टर चलाएंगे, वहाँ पर खेती करेंगे ताकि सरकार को दिखा सके, यानी कि सरकार को दिखाने के लिए ये ऐसी ऐसी रणनीति बना रहे हैं, ऐसे ऐसे लोगों को ये परेशान कर रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं इसे स्वीकार ही नहीं किया जा सकता। लेकिन राकेश टिकैत उग्र हैं और उनकी उग्रता ही कहीं ना कहीं देश की छवि धूमिल करने वाली है। तो राकेश टिकैत के बारे में 2-4 लाइन ज़रूर लिखिए, वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सच्चाई उन तक पहुँचे, और किसान आंदोलन को आप किस नज़र से देखते हैं ज़रूर मेंशन कीजिए, क्योंकि इतना उग्र होना अच्छी बात नहीं है। 4 लाख ट्रैक्टर और वहीं पर 25 लाख लोग, ये कहीं ना कहीं दिल्ली को दहलाने की कोशिश है। एक बार फिर इन्होंने लाल किले पर हिंसा की, लाल किले पर इन्होंने उपद्रव किया, अब यही उपद्रव ये करने जा रहे हैं दिल्ली में, और दिल्ली में ही लाल किला है वैसे, लेकिन दिल्ली के संसद पर ये हमला करने जा रहे हैं। सोचिए किस तरह से इनका किसान आंदोलन इस बात पर उठा था कि हम संशोधन चाहते हैं। पहले तो राकेश टिकैत ने इसी तीनों कृषि बिल का समर्थन किया था, लेकिन उनको अपना राजनीतिक करियर बनाना है इसीलिए उन्होंने आंदोलन खड़ा कर दिया, लाखों करोड़ों रुपये खर्चा कर दिए, लेकिन इन सब से हल नहीं निकला तो उन्होंने लाल किले पर हमला बोल दिया। यानी कि सरकार की इंसल्ट कराने और सरकार को झुकाने के लिए राकेश टिकैत पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से इसको लेकर कोई बयान नहीं आया। उम्मीद है कि केंद्र सरकार जल्द इस पर एक्शन ले ताकि दिल्ली में अफरा तफरी का माहौल ना बने, क्योंकि इस बात यह है कि अगर ये 4 लाख ट्रैक्टर के साथ 25 लाख लोगों के साथ अगर ये पहुंचते हैं दिल्ली, तो कहीं ना कहीं दिल्ली जलने वाली है। ये बात 100% आप नोट कर लीजिए। एक बार ये फिर बड़े दंगे की कोशिश में, और सरकार को इतने ट्रैक्टरों की एंट्री देनी ही नहीं चाहिए। अगर इन्होंने इतने ट्रैक्टरों की एंट्री दे दी तो कहीं ना कहीं इन्हें काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा, और सरकार की भी कहीं ना कहीं इंसल्ट ज़रूर होगी। तो इसीलिए राकेश टिकैत पर लगाम लगाने की सख्त ज़रूरत है। जिस तरह से इन्होंने देश को जलाने की कोशिश की है, देश जलने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी राकेश टिकैत उग्र हो चुके हैं, वो किसी की ना सुनने की बात कर रहे हैं। आप भी क्या राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। बने रहिए ओनली न्यूज़ नेशन साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।